अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का नंबर वन चैनल मेवा सिटी न्यूज। खबर देखने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे पिछड़े जिला नुहू मेवात के लिए बिजली विभाग अप्रैल माह में बड़ी सौगात देने जा रहा है। जिले के लोगों की बिजली समस्याओं का तेजी से निपटान होने के साथ ही समय व धन की बचत हो, इसलिए अप्रैल माह में पुनहाना को डिवीजन का दर्जा मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, जिले के पिनगवा तथा साकरस सब स्टेशन को सब डिवीजन का दर्जा मिलने जा रहा है। पुनहाना में बिजली विभाग का कार्यकारी अभियंता का अलग कार्यालय होगा तो पिनगवा तथा साकरस में भी एसटीओ स्तर का अधिकारी अपने स्टाफ के साथ लोगों की समस्याओं का निपटान करने लगेगा। बिजली किल्लत को देखते हुए बिजली विभाग ने यह कदम उठाया है। अभी मामले की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभाग फाइलों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मेवात जिले में बिजली विभाग के यह 3-4 नए कार्यालय खुलने से अब लोगों को दूर दराज नुहू, नगीना, फिरोजपुर, झिरका इत्यादि शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय के साथ साथ धन की बचत होगी। खास बात तो यह है कि गर्मी के मौसम में बिजली विभाग लोड के चलते कई कई घंटे के कट लगाता था और ग्रामीण इलाके में तो लोगों को भीषण गर्मी में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती थी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर फूंक जाने तथा नए मीटर इत्यादि लगवाने से संबंधित कार्यों के लिए भी दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। कई बार अधिकारियों के नहीं मिलने के कारण वहां से सैकड़ों रुपए खर्च कर निराश होकर लौटना पड़ता था। अब लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। पिनगवा सब स्टेशन में 2 दर्जन से अधिक गाँव शामिल हैं। इन गाँव के लोगों को अब सब डिवीजनल नगीना कार्यालय तथा कार्यकारी अभियंता से संबंधित कार्य के लिए जिला मुख्यालय नुहू जाना पड़ता था। इसके अलावा काम का निपटान भी उतनी तेजी से नहीं हो पाता था, लेकिन अप्रैल माह में जिले के लोगों के लिए बिजली विभाग बड़ी राहत देने जा रहा है। अब नुहू जिले में एक नहीं बल्कि 2-2 शहरों में कार्यकारी अभियंता के कार्यालय होंगे, जिसकी वजह से लोगों को अब दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा। इलाके के लोगों ने इस खबर से राहत महसूस करते हुए बिजली विभाग तथा हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया है। कुल मिलाकर मेवात जिले में अगर इसी तरह बुनियादी सुविधाओं पर अमल किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला राज्य के विकसित जिलों की सूची में शामिल हो जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर मेवात जिला बसता है, जो राज्य ही नहीं बल्कि देश के पिछड़े जिलों में आता है। अब सरकार ने इस जिले की बिजली पानी समस्या पर पहले के मुकाबले गंभीरता से अमल करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में सरकार को लेकर चर्चाओं का दौर बना रहता है। बिजली विभाग के अधिकारी यह तो मानते हैं कि इन बड़ी सौगातों के क्षेत्र में प्रपोजल विभाग के आला अधिकारियों को भेज दिया गया है, लेकिन यह सौगात किस तिथि को इलाके के लोगों को मिलेगी, इसका जवाब अभी उनके पास नहीं है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम खुर्शीद अहमद जी। देखो जी, अगर सब डिविजन एसडीओ बैठने की बात कही जाए तो हमें इससे काफ़ी फायदा होगा। जैसे जैसे बिजली विभाग की कोई भी समस्या हो तो उसका यहीं पर निपटारा किया जाएगा। जैसे बिल भरने की समस्या को यहीं सॉल्व किया जाएगा। और यहां से हमारा गांव सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम अपनी सब समस्याओं को यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि हमारे अगले माह से रमज़ान चालू होने वाले हैं और हमें लाइट अच्छी मिलेगी, और इसको देखते हुए हमें इसे एसडीओ बैठने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नाम रफीक है। देखो जी, बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ एसडीओ बैठेगा। छोटे मोटे जो काम है, चाहे बिजली का बिल का ही काम है, उनके हमारे नुहू या नगीना जाना पड़ता था और वहाँ जाने के लिए काफ़ी खर्चा लगता था। कुछ गरीब आदमी जी कहा तो खर्च उन किराया भाड़े में भी दिक्कत हुई उन जाने में, और इन एसडीओ बैठे को पूरी सुविधा मिलेंगी, जमल बहुत बड़ा फ़ायदा हो और लाइट की जो छोटी मोटी समस्या वह समय पर सही हो पाएंगे। जब बड़े सतर्क अधिकारी यहाँ बैठेगा तो क्षेत्र में किस तरह की खुशी है? देखो, क्षेत्र में तो जो बड़ा सतर्क अधिकारी जब यहाँ बैठेगा, काफ़ी दिनों से कहाँ यहाँ का अधिकारी बैठा ही ना जी, बड़ा नो बैठे हो नगीना बैठे हुए जो सतर्क अधिकारी है, तो यहाँ खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मोहम्मद मुबारक है।
देखो सर, इसमें तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम लोग आज से नहीं, काफ़ी अरसों से परेशान चले आ रहे हैं। ठीक है, आज से पहले हमको कभी नूहों कभी फिरोजपुर झिरका भागना पड़ता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी सहूलत हमारे पिनंगवा में मिलेगी। एसटीओ साहब सब यहाँ बैठेंगे तो कोई भी समस्या होगी तो हम यहाँ ही सुलझा सकेंगे। रहा मसला एक और चीज़ का कि बिजली, जो पिछले समय में हमारी फसलें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि बिजली के ना आने से ना खेतों की सिंचाई हुई है, ना परिवारों में चैन सुखे, क्योंकि दिन रात कोई टाइम टेबल बिजली का फिक्स नहीं है। इससे बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमें आने वाले समय में बिजली अच्छी मिलेगी।